तहफ़ वेलफेयर फाउंडेशन हरूनाबाद का इजलास ज़ेर सदारत हाजी मोहम्मद अख्तर जवेद मुनक़िद हुआ। इजलास में बाऊ लियाकत अली, मलक मोहम्मद रियाज, खलीद खलजी, सैफुल्ला खान, मोहम्मद अख्तर, यासिर चौधरी, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद आलम कम्बो, मोहम्मद फारूक मुगल, शौकत अली शेख, कमरदीन समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इजलास में तहफ़ वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चलाई जाने वाली जनाजा बस के हवाले से दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई और तय पाया कि जनाजा बस सिर्फ अर्बन एरिया के लिए ही इस्तेमाल होगी, शहर से बाहर नहीं जाएगी। इसके अलावा फाउंडेशन के हवाले से दीगर अमूर भी ज़ेर बहस आए। इजलास से खिताब करते हुए सदर तहफ़ वेलफेयर फाउंडेशन हाजी मोहम्मद अख्तर जवेद ने कहा कि तहफ़ फाउंडेशन अपने फलाही अमूर के विजन पर अमल पैरा है और वसाइल के मुताबिक तमाम खुश उसलूबी से बेहतरीन काम कर रही है। जनाजा और तदफीन के लिए लवाहिकीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और इस काम को अवामी बेहतरी के तनाजुर में पाया तकमील पहुँचाना अव्वलीन हदफ और तरजीह है। तहफ़ फाउंडेशन अपने वसाइल को ब्रोय कार्ड लाते हुए तंजीम के अगराज मकासद को हमेशा पेश नजर रखा और वसाइल और मसाइल का जायजा लेने के बाद बस के एरिया के बारे में फैसला मुतवक्का तौर पर किया गया, जिससे अर्बन एरिया में खिदमात की अंजामदेही बेहतरीन होगी। सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि अर्बन एरिया को मौसर अंदाज से सर्विस से इस्तेफादा हासिल करने में ही बेहतर बनाया जाए। मुजफ्फर अली सहर, नुमाइंदा ग्रेट न्यूज़, हरूनाबाद।